हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मौसम एकदम साफ़ सुथरा है। दिन में तेज़ वाली धूप होती है और सुबह शाम मौसम एकदम ठीक है। बाकी यहाँ पे तैयारी चली हुई है आलू चने बनाने की। ये हमारा ब्रेकफास्ट प्लस लंच बन रहा है। ब्रेकफास्ट में मतलब बच्चों के लिए तो बनाए थे थोड़ा चीज़ी सैंडविच, और हम लोगों का लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही होता है। तो रात को डाल दिए थे ये चने भिगोने के लिए, और सुबह फिर चने और आलू की ये तड़का लगाया जा रहा है। आज मंजू भी आई हुई है ना हमारे घर में, तो उसने बोला कि भाई परांठे तो बिल्कुल नहीं खाने, तो हमने सोचा ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो वैसे आलू चने फिर खा बन लिया गए खाना, हैं। और कौन कौन रह गया? खा लिया हमने, हाँ खाना मैंने खा। खा लिया, हाँ जी बच्चों के भी ले लिए। हाँ जी। अच्छा, मैंने मना किया ना इन सब कामों के लिए, कुछ नहीं होता। हाँ होने को तो। बच्चों की अभी एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं और अभी इनको छुट्टियां पड़ी हुई हैं। मंजू को था एक बहुत इम्पोर्टेंट काम, तो ये सुबह सुबह ही निकल रही है। पतिदेव इसको छोड़ने जा रहे हैं बाइक पे, तो बस हेलमेट को लेकर के यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि डबल जो हेलमेट है वो कंपलसरी हो रखा है। आज तो कांड ही हो गया। हेलमेट लगाया हुआ था और इसने क्या ना, मंजू ने हेलमेट पकड़ा हुआ था तो पुलिस वाले ने दे दिया हाथ, वेयर इज हेलमेट। फिर मैंने बोला सर ये है, बोले पहनने के लिए है या हाथ से पकड़ने के लिए है ये? अच्छा, हाथ में था हेलमेट हाँ और हाँ पहना नहीं था बालों क्योंकि में। हम रूल को फॉलो करते हैं, हम तो हमेशा लगा के रखते हैं। फिर तो मैंने अपनी सर सेफ्टी के लिए रूल भी। हाँ तो ही बोलो आइंदा हेलमेट हाथ में पकड़ा फिर नहीं लगाया पकड़ा, तो बात तो एक ही है ना, उसको लगाओ। हाथ में पकड़ने के लिए नहीं होता है, सर में फंसाओ उसको। मैंने कहा नहीं सर, पक्का डेफिनेटली पक्का, इसको जरूर बोलूँगा पीछे वाली को, ठीक क्योंकि है। मैंने कहा कि इसको थोड़ा अर्जेंट काम था आज, तो मैंने कहा इसलिए जल्दी जल्दी से बीयर करना भूल गई है। तो मंजू नेक्स्ट टाइम पहनना, कहीं बैठना, ठीक है, रूल को फॉलो करना है। हाँ जी भाई पक्का। मैंने कहा अच्छा, फिर उसके बाद में मैंने कहा कि यहाँ पहुँच गया हूँ, थोड़ा 2 किलोमीटर वॉक करके आ गया मैं, कहाँ दौड़े हुए वो सुबह सुबह। आ गया मैं और फिर उसके अच्छा, बाद अब लंच ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। ये क्या लेके आ गया? सुबह देख पूरे हाथ लाल कर दिए, कहाँ से निकाले? नीचे पैर लगाया। मैंने निकाला, खा ले। ये मुझे भी दे रहा है, देखो। नहीं बेटी मैं नहीं, हम वेस्ट कर रहे हैं, इसको अपनी बहन को खिलाओ। नहीं मैंने खा लिया, बहुत खा ले। ये देखिए, इन महाराज को ना कहीं और जगह नहीं मिली हुई थी बैठने के लिए, तो इन्होंने बहुत ही स्पेशल जगह अपने लिए ढूंढ रखी है। तो ये देखिए मतलब किस तरह से बैठ करके तांक झांक हो रही है कि कहाँ पे आज अटैक किया जाए। तो ऐसा ऐसा है, बड़े दिनों के बाद ये पता नहीं कहाँ से भूले बिसरे आए हुए हैं, तो बड़े ही आनंद से बैठे हुए हैं। देखो टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे। ये देखो जिंदा मामा आ गए, ये है मंकी। हेलो, तुम रखते हो क्या हाल है? ओ बेटे, क्या तो अभी हम जा रहे हैं शानू मिठू की एडमिशन लेने के लिए, देखते हैं भीड़ तो नहीं है वहाँ पे। वैसे मैं सोच रहा मंडे को लेने की, लेकिन ये वंदना नहीं मानती है। मंडे को स्कूल है तो फिर एडमिशन ही लेते रहेंगे, तो स्कूल कब जाएंगे? वैसे भी यहाँ पे तो उन क्या है बोलना, पूरे दिन भर ये इधर ही खेलते रहते हैं। देखो अभी साइकिलिंग भी यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ज़रूरी क्या है कि भाई आगे भी उनको मतलब ऐसे ही घुमाते रहो, सीधा स्कूल जाओ, हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं होता और इनका भी, और कुछ ना कुछ तो सीखते हैं वो अलग। ऐसा है, तो अभी हम लोग निकल गए बाइक पे ही बच्चों की एडमिशन के लिए। और बच्चे बड़ी ज़िद कर रहे थे कि नहीं नहीं लेके आओ आज जी, जनाब की तो इच्छा नहीं हो रही थी कि मंडे को ही लेनी है, नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे। पर फिर पूरा दिन भर बच्चे मतलब घूमते रहते हैं, क्या ऐसे बहाने से वो अपने बुक्स वगैरह में कवर लगाएंगे, फिर चाव करते हैं ना, मतलब नई नई किताबों का सबको क्रेज़ होता है। तो ये लो आ गए भी तुम्हारी बुक्स में, ये कैलेंडर, इसके पैसे दिए हैं तो इसको फाड़ना मत। ओके ओके ओके। स्कूल का कैलेंडर रहने दे मत, अच्छा फिर तो फाड़ेगा। और ये जो है, अप्रैल मई, ये है मिट्ठू के लिए ना,
और ये तेरे लिए, बाकी तेरे पास जो बुक्स है शानवी वाली फिफ्थ की वो है, ठीक है। ओके, और ये मेरी है। तेरे लिए पूरा सेट आ गया। ओके, डायरी, और एक बात है कि कवर चढ़ाने मैं ऐसे कोई वो नहीं करना, तेरी वर्क बुक है और बाकी किताबें तेरे को सुबह दे दी थी मैंने शानवी वाली, ऐसा है ना, समझ गई ना, ठीक है। ये देख ले इतना सारा बिल लगा। ओके ओके ओके, लो जी आ गए सारे जी, आगे देखो क्या बोला उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि जो हिंदी की है संस्कृत की है वो बाहर से ले सकते हो आप, इसमें नहीं है। परसानू भी टूकी होगी एडमिशन है, बेटे पढ़ने बैठ जा, सेवंथ में ये पहुंच गई है, लेकिन इसको देख के लगता नहीं है कि सेवंथ में है, ठीक है। और आपको देख के और यहाँ लगता है गर्मी हो गई है ना, मुझे देख के तो ऐसा लगता ही नहीं कि मैं बाहर से आ रहा हूँ। नहीं इतनी भी गर्मी नहीं है, मैं भी आप ही के साथ थी। अब आप बोलते हो काला चिट्टा भाई है तो ऐसे ही चलता है, मोबाइल क्या कर सकते। मोबाइल ये बेटे ये तेरी, ये तो तेरे लिए वो है, वर्क बुक्स है, मिट्टू रख दो, सबको मिली है, नहीं लिए पूरे पेड़ पूरा हर चीज समझनी है, समझ के करना। मैं पता है मैडम खुद समझाएंगे यार भाई, क्लास को मिली है। आज नहीं कर तू चिंता, चिंता नहीं कर तू, चले जा, ठीक है। इसमें कवर लेके आऊंगा मैं व्हाइट वाले, वो चढ़ाने पहले मैडम से पूछना पड़ेगा कौन सा वो उसमें कवर चढ़ाना है, ठीक है। ऐसे जल्दी नहीं करना है कि हाँ भाई कि अभी करना है कि हाँ कि अभी वो लगा दी फिर बाद में चेंज, एक बार पूछ लेना है स्कूल में मैडम कौन से कवर लगाने कैसे लगाने, ठीक है। कॉपी बड़े डेढ़ा कोई भी नहीं बोलता ट्रांसपेरेंट कवर लगाए, हाँ तो वो तो वो स्कूल अजीब था ना जिसने ऐसा बोला कि बस बहुत हुआ, बहुत हुआ। मौसम देखिए आपने, कपड़े थे सारी धोने जो ना, पानी था वह गए रतानी से पाने थे। अभी ये कुछ बड़े बड़ा पार्सल लेके आ गई है, पार्सल आया हुआ है। एक्चुअली बच्चों के लिए बुक्स आ चुकी हैं, और ये ना मेरे पास एक बैग था ब्लैक कलर का, वो मैंने अमेजोन से बाय किया था लगभग 2 या 3 साल पहले की बात है। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उस वक्त कॉस्ट भी कम थी उसकी, उस वक्त हाँ उसकी कॉस्ट भी कम थी। फिर मैंने अपना वो ऑर्डर जा करके देखे 2-3 साल पहले जो भी था सारे के सारे, क्योंकि मतलब होता है ना जो चीज हमारे पास आई होती है ना तो हमें पता चल जाता है ऑनलाइन में, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती भी है कई मेरी। बट ये जो बैग था ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं फिर वो पीछे जा करके सर्च मारे, फिर मैंने दोबारा वो ऑर्डर किया। कॉस्ट इसकी कितनी है? कॉस्ट थोड़ा ज्यादा थी, 1200-1250 रुपए। तो ये मैं आप सबके सामने फिर इसको खोल रही हूँ, बाकी ये उसी क्वालिटी में आया है कि नहीं आया। शानभू वो बैग लेकर के आना जो पिछला ब्लैक वाला, वो मैंने अपने लिए स्पेशली रखा था, लेकिन बच्चे जी ये शानभू स्पेशली ये क्या करती है ना मेरी रखी हुई चीजों को ले लेती है, यूज करती है। फिर वो जो बैग था ना वो काले वाला, ये इसने लगा दिया था स्कूल के लिए, फिर उसके बाद मिट्ठू ने यूज किया, फिर बाद में इसने बोल दिया कि मिट्टू तू ले ले और मैं नया मंगवाऊंगी। तो ये वो ब्लैक कलर का है और ये मैंने ब्लू कलर में मंगवाया। वैसे तो ये मैं अपने लिए कभी जा नहीं हो कहीं इधर उधर घूमने फिरने, तो है क्वालिटी बहुत बढ़िया है यार उस चीज के लिए मैंने वो ब्लैक वाला मंगवाया था, लेकिन इन्होंने ले लिया मुझसे ना। ये देखो ये कितना बहुत पुराना है, मैं बताई तो दिया कि इतने साल का पुराना है ना ये, और ये फिर सेम इसका जुड़वा वाई मंगवा लिया मैंने। तो ये है और क्वालिटी मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा आगे ले आइए जरा कैमरामैन। तो ये देखो एक तो बाहर से जो इसका स्टफ है ना ये चीज बहुत सुपर है, और ये ना देखो आप इस तरह से कर देते हैं ना तो ये रेट भी कितना है दिखा देते हैं इसका, रेट में स्क्रीनशॉट 2500 रुपए है अगर ये, और नहीं ऐसे नहीं ऐसे 1200 कुछ रुपए, 1250 रुपए। तो पहले तो ये जी जीप पर, तो यहाँ अपना छोटा मोटा सामान रख लो जी जो इंस्टेंट मेकअप चाहिए होता है। एक्चुअली मेरे बंदे को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कहीं जाना होता तो इसके पास बैग नहीं होता था, इसने कहा कि चलो फटाफट डाले दो कपड़े और हाँ जी हाँ जी। और ये फिर यहाँ पे भी काफी अच्छा स्पेस है, अलग अलग आप सेपरेट करके चीजों को डाल सकते हैं। और एक ये इसमें नहीं थी शायद ये वाली जीप ना, इसमें ये भी है, तो यहाँ पर भी आप अलग से सेपरेट करके डाल सकते हैं ना अपना सामान।
बाकी इस साइड को आप बॉटल्स वगैरह लगाइए। एक और जिप है अभी, इसमें अंदर आप अगर अपना लैपटॉप की कभी भी जाना है ना तो लैपटॉप की सख्त जरूरत तो पड़ती है, तो यहाँ पे आप अपना लैपटॉप भी लगा लीजिए। तो इस तरह से मतलब काफ़ी सुपर डुपर बैग है और क्वालिटी भी अच्छी है और चलने वाली चीज़ है। तो ये मैंने मंगवाया था, आपको कैसी लगी मेरी चॉइस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, गर्मियों का मौसम आ चुका है, भारी गर्मी हो रही है, जैसे हम बाहर निकलते हैं काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है, तो इसीलिए मैंने कॉटन की शर्ट ली हुई है, क्योंकि कॉटन की शर्ट में ये होता है ना जो पसीना वगैरह होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और मतलब कि कंफर्टेबल रहती है कॉटन की शर्ट गर्मियों में, तो इसलिए मैं मैक्सिमम कॉटन के ही कपड़े पहनता हूँ गर्मियों में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, क्योंकि मुझे कुछ कलर्स ऐसे होते हैं वो मेरे फेवरेट होते हैं, तो मैं बार बार उन्हीं को ले लेता हूँ कि यहाँ थोड़ा स्टाइल चेंज करके या थोड़ी फिटिंग साइज कम ज्यादा करके। तो ये अगर आपको अच्छी लगी तो आप भी बताना, नहीं तो ये वापस कर देंगे अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी तो। नहीं नहीं, वापस तो नहीं करूंगा ना मैं यार। अच्छा, मैंने सोचा आप तब फिटिंग मेरे ऊपर ही है ना, जैसे मेरी फिटिंग है यार। हाँ बिल्कुल, आपका ही माप लिया था ना। हाँ जी, अमेज़न वालों ने आपको बुलाया था ना वहाँ। हाँ बुलाया था, आपका ही माप लिया और आपको ही। वही ना, बहुत बहुत धन्यवाद फिर आपका ना। और ये पैंट? ये पैंट तो मैंने ली हुई है। अच्छा अच्छा, ये भी अमेज़न से ली है? ये भी अमेज़न से ली हुई है। जूते भी मुझे लग रहा है वैसे, ये भी अमेज़न से लिए हूँ। ओह माय गॉड, सारे मतलब आजकल ये ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड से करते हैं कि कहाँ से करते हैं? कभी क्रेडिट कार्ड से कर देता हूँ, कभी यूपीआई आईडी से कर देता हूँ, जहाँ से दिल करता है। ठीक है ठीक है। ये पति देव ने मेरे लिए सिलेक्ट किया था सूट, जो कि कुछ इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन है, और ये जो दुपट्टा है ना, तो ये कलर वैसे भी मेरा फेवरेट है, तो इन्होंने सिलेक्ट किया था कि बोला गर्मियों में अब कॉटन के ढीले ढीले कपड़े अच्छे लगते हैं। तो ये प्योर कॉटन है, बाकी कुर्ती कुछ इस तरह की है, विद दुपट्टा है और प्लाजो है, जो कि कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बाकी आपको कैसा लगा मेरे ऊपर ये बताना ज़रूर। और ये मुझे तो अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? कलर इसका और फिटिंग भी, तो आप ही ने तो पसंद किया था ना, फिट भी सही है। और बाजू ये देखिए, इस तरह से आगे जो प्लाजो का है ना वो वाला चीज लगी है, बाकी कुछ इस तरह का प्रिंट है और कॉम्बिनेशन है। ओके मैडम, क्या बात है। इसके अलावा एक और ये सूट मैंने ऑर्डर किया था, जो कि आप देख सकते हैं लाइट ग्रीन कलर में है, डिजाइन कुछ इस तरह का है, और पहन के मतलब ना इसकी जो फिटिंग आती है बहुत मस्त आती है। दुपट्टा सूट है, तो दुपट्टा भी कुछ इस तरह का है इसका, बाकी प्लाजो के साथ है, तो ये रहा इसका प्लाजो। ओवरऑल सूट बहुत ही प्यारा है, कलर बहुत प्यारा है, और इसका जो ये पैटर्न है ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा। बाकी मेरे ऊपर कैसा लग रहा है आप भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जनाब कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है, कलर इसका, फिटिंग वगैरह ओवरऑल इज है ना, प्यारा सा सूट है, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। समर के हिसाब से अच्छा है, और बाकी चुन्नी वाला है तो मतलब दुपट्टे की भी टेंशन नहीं है कि कौन सा दुपट्टा लेना है, क्या करना है, तो ओवरऑल ऐसा है। और बाकी प्राइस की बात बताऊं तो अफोर्डेबल प्राइस में है, स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे जो भी मैंने प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दिखाए, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये ट्रैक सूट भी ऑर्डर किया था, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का आया है, और जो इसका लोअर है, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ आगे से, ताकि आपको अच्छे से क्वालिटी का पता चले। बहुत कंफर्टेबल है, और जिस रेंज का ये है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा क्वालिटी में आएगा, चाहे से फिर जिम वगैरह के लिए यूज़ करना हो या फिर घर पे भी आप पहनिए तो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। वॉक पे निकल जाते हैं हम लोग शाम के टाइम पे, तो उस दौरान भी काफ़ी कम्फर्टेबल है, स्पोर्ट्स ब्रांड का है, और बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा है, मतलब मेरे बोलने से आप परचेज कर सकते हो, आपको कहीं भी निराशा नहीं होगी। इन सब प्रोडक्ट्स को आप डिस्क्रिप्शन से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मेगा फैशन सेल 5th to 8th अप्रैल स्टार्ट हो चुकी है, तो बेनिफिट ज़रूर उठाइएगा।